Assalamu alaikum students, this is the book of Gohar English grade 6 and now today we will start our reading of unit 11 part 2 Lucky Ladies to paragraph 4. So open your books at page number 67. The balloon continued to climb to 2000 feet, to 3000, to 4000. कहते हैं दोबारा ऊपर चढ़ना उसका जारी रहा, पहले 2000 फीट तक, फिर 3 और फिर 4000. मैरी थिबल लुक डाउन, मैरी थिबल ने जब नीचे देखा, ट्रीज बिलो लुक लाइक ब्लेड्स ऑफ ग्रास, तो दरख्त ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे घास के छोटे छोटे पत्ते. पीपल अपीयर टू बी एज स्मॉल एज एंट्स, लोग चूंटियों की तरह छोटे छोटे नज़र आ रहे थे. हाउसेज लुक लाइक टॉय ब्लॉक्स, घर जो थे वो टॉय ब्लॉक्स की तरह नज़र आते थे. मैरी वॉन्टेड टू गो हायर, मैरी और ऊपर जाना चाहती थी. हर पायलट सेड, उसके पायलट ने कहा, नो इट इज़ टू डेंजरस, नहीं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है. सो ही स्टार्टेड द डिसेंट, उन्होंने नीचे की तरफ उतरना शुरू किया. डिसेंट मतलब उतराई. द बैलून स्टार्टेड डाउनवर्ड्स, बैलून नीचे की तरफ उतरना शुरू हो गया. मैरी वॉज एक्साइटेड एज शी वॉच्ड द अर्थ गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर, मैरी बहुत एक्साइटेड थी जब वो ज़मीन को नज़दीक से नज़दीक देख रही थी. फाइनली विदाउट एनी इंसिडेंट द गंडोला टच द ग्राउंड, कहते आखिरकार बगैर कोई वाकया रुनुमा हुए गंडोला जो था यानी उसका जो गुब्बारा था वो उसने ग्राउंड को टच कर लिया. एज सून एज द बैलून टुक ऑफ फ्रॉम लायंस, मैनी मैन जम्प्ड ऑन हॉर्सेस एंड गैलप्ड अलॉन्ग बीनीथ द बैलून, कहते हैं जैसे ही गुब्बारा टुक ऑफ फ्रॉम लायंस, लायंस से उठा, मैनी मैन बहुत से आदमियों ने अपने घोड़ों पर जंप लगाई और वो बैलून के साथ साथ चलते चले गए. देवर एट द प्लेस वेयर मैरी लैंडेड, अब वो उस जगह पर थे जहाँ मैरी उतरी. दे हेल्प्ड हर आउट ऑफ द गंडोला एंड लिफ्टेड हर इन टू अ कैरेज ड्रॉन बाय वाइट हॉर्सेज, उन्होंने गंडोला में से उतरने में उसकी मदद की. एंड लिफ्टेड हर इन टू अ कैरेज, और उसको चढ़ाया एक बगी में ड्रॉन बाय वाइट हॉर्सेज जिसको सफ़ेद घोड़े चला रहे थे. द कैरेज वॉज डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स रिबन्स एंड टिंकलिंग बेल्स, उस घोड़ा गाड़ी को बगी को उन्होंने सजा रखा था फूलों से, रिबन से और टिंकलिंग बेल से, बजती हुई घंटियों से. मैरी वॉज ड्रिवन बैक टू लायंस वेयर द पीपल वर वाइल्ड विद जॉय, मैरी को लायंस लाया गया जहाँ लोग खुशी से नारे लगा रहे थे. दे टोस्ट बुकेस इनटू द कैरेज, उन्होंने घोड़ा गाड़ी में फूलों के गुलदस्ते फेंके. मैरी वॉज लाफिंग विद हैप्पीनेस, मैरी खुशी से हंस रही थी. शी वॉज द फर्स्ट वुमेन एवर टू लीव द ग्राउंड एंड एंसेंड इन टू द एयर, वो पहली औरत थी जो जिसने ज़मीन को छोड़कर हवा में परवास की. शी हैड अ राइट टू बी हैप्पी एंड प्राउड, और उसको ये हक हासिल था खुश होने का और फ़ख्र करने का. इसके साथ ही हमारी रीडिंग कम्प्लीट हुई, यूनिट 11 पार्ट 2 लकी लेडीज़. अल्लाह हाफिज़.